तो गाइस जो हमारा आखिरी सहारा था पबजी मोबाइल कोरिया, बिना पिंग हाई हुए खेल सकते थे हम लोग, वो भी गया, पबजी मोबाइल ने वो भी हमसे छीन लिया। जी हाँ गाइस, अब पबजी कोरिया भी बैन हो चुका है। 30 जून के बाद से जो है कोई भी प्लेयर कोरिया जापान के बाहर से इसको खेल नहीं सकता, इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो अगर आपने पैसा लगाया है तो गाइस आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर यू, क्योंकि आपका सारा पैसा डूब चुका है। क्योंकि गाइस यहाँ पे उन्होंने अच्छे से स्पेशली बता दिया है कि इंडिया के प्लेयर और इंडिया के बाहर के प्लेयर को भी कि वो पबजी मोबाइल कोरिया और जापान अलग से यूज़ नहीं कर सकते, वो मतलब घुस ही नहीं पाएंगे, लॉग इन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो गाइस अलग से बता दिया है, अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ यूजर्स आउट ऑफ कोरिया और जापान। डियर यूजर्स, दिस इज फ्रॉम पबजी मोबाइल, द फॉलोइंग आर द गाइड ऑफ लिमिटेशंस ऑफ यूजर्स आउट ऑफ कोरिया एंड जापान। मतलब कि ये जो अपने बताने वालों सामने में, ये वाला उन लोग के लिए है जो कोरिया और जापान के बाहर रहते हैं और उनके लिए गाइड है ये। ठीक है, KRGP बिल्ड इज अ वर्जन ऑफ लोकल सर्विस फॉर यूजर्स लिविंग इन द कोरिया एंड जापान। ये KRGP जो वर्जन है ये उन लोग के लिए है जो लोकली रहते हैं, लोकल बंदों के लिए। ठीक है, बाहर के लिए नहीं है, ग्लोबल के लिए नहीं है ये। फॉर दोज हु लिविंग इन द अदर कंट्रीज और रीजन्स योर लोकल वर्जन इज ग्लोबल वर्जन। तो जैसे इंडिया हो गया या US हो गया या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया, चाइना को छोड़ के, उनका ग्लोबल वर्जन है लोकल वर्जन। ठीक है, मतलब उनको ग्लोबल वर्जन सजेस्ट किया जा रहा है खेलने के लिए, कोरिया नहीं। तो यहाँ पे कंसीडरिंग द लोकल कल्चर्स एंड इशूज ऑफ एवरी कंट्रीज एंड रीजन्स एंड फॉर प्रोवाइडिंग द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस द फॉलोइंग वुड बी पुट इनटू इफेक्ट। अब पूरा एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए, यहाँ तक कि सारा इशूज को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये सारे स्टेप्स उठाने जा रहे हैं जो फ्यूचर में 30 जून से स्टार्ट होगा। सबसे पहला, फ्रॉम 2021 5/1 यूजर्स ऑफ आउट ऑफ कोरिया और जापान हु लॉग इन विद KRGP बिल्ड अकाउंट आर नॉट एबल टू सेटल द पेमेंट इन KRGP बिल्ड। अब गाइज वीजा से आप अभी भी KRGP में पैसा खरीद सकते हो, यूसी खरीद सकते हो। ठीक है, वीजा का डेबिट कार्ड होना चाहिए, उससे अभी भी खरीद सकते हो। लेकिन गाइज यहाँ पे 2021 5/1 के बाद से आप इसको खरीद नहीं सकते जो जो KRGP के बाहर में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साफ कर दिया गया है, वन नंबर पॉइंट। सेकंड पॉइंट चलते हैं गाइज हम लोग, फ्रॉम 2021 5/1 यूजर्स आउट ऑफ कोरिया और जापान हु लॉग इन विद KRGP बिल्ड अकाउंट माइट फाइंड नेटवर्क ट्रबल्स ड्यूरिंग द प्ले। अब गाइज उसके बाद से जो आपको नेटवर्क ट्रबल्स आना चालू हो जाएंगे, आपको जो पिंग प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा, क्योंकि सर्वर जो है वो लोग शट डाउन कर देंगे बाहर में, ओनली कोरिया एंड जापान में ही रखने वाले वो लोग। ठीक है, और सारा सारा जो सर्वर है वो बंद होने लग जाएगा। थर्ड वाला पॉइंट है, फ्रॉम 2021 6/30 यूजर्स आउट ऑफ कोरिया और जापान हु लॉग इन द KRGP बिल्ड अकाउंट आर नॉट एबल टू लॉग इन एनी मोर। उसके बाद जो है 6/30 से, मतलब 6/6 से आपका जो है लॉग इन करना ही बंद कर देगा, आप लॉग इन ही नहीं कर पाओगे। और ठीक है, तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिख दिया गया है, यूजर्स आउट ऑफ कोरिया और जापान हु लॉग इन द KRGP बिल्ड आर अकाउंट नॉट एबल टू लॉग इन एनी मोर। उसके बाद इंडियंस को स्पेसिफिकली यहाँ पे ब्रैकेट मार के बोल दिया गया है, देखो गाइस नीचे में, फॉर यूजर्स लिविंग इन इंडिया द अपर 3 चेंजेस विल बी पुट इनटू इफेक्ट फ्रॉम 2021 6/30 टुगेदर। मतलब 6/6 से जो है ये सारा का सारा चीज एक साथ काम करना चालू हो जाएगा। ठीक है, मतलब वर्ल्ड में जैसे होगा इंडियन लोगों का भी वैसे ही होगा, क्योंकि अब इंडिया प्लेयर पता ही होगा सबसे ज्यादा है। तो मुझे लगता है इंडियंस के लिए स्पेशली बोल दिया गया है कि आप लोगों को ना खेलने के लिए, और मुझे लगता है कि ये खुशखबरी ये है कि इंडियन वर्जन में आने वाला है और हम लोग के लिए इंडियन वर्जन स्पेसिफिकली बना दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो इस प्लीज नोट ऑल दीज चेंजेस आर फॉर बेटर सर्विस, नथिंग रिलेटेड टू इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन। ये हम लोग पूरा अच्छा सर्विस बनाने के लिए किए हैं, इससे कोई रेशियली हम लोग डिस्प्यूट नहीं बढ़ाने, मतलब कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करना चाहते, या फिर कोई हम लोग ये बोलना नहीं चाहते कि आप लोग कम हो हम लोग ज़्यादा है, ऐसा नहीं। आप लोग सबका अपना अपना रीजन खेलो तो आप सबसे ज़्यादा मतलब बेटर होगा, एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। ठीक है, फॉर बेटर एक्सपीरियंस वी सजेस्ट यूजर्स आउट ऑफ कोरिया और जापान यूज योर लोकल वर्जन और ग्लोबल वर्जन, अपना ग्लोबल वर्जन खेलने वाला बताया गया है, क्योंकि जापान को छोड़ देने बोला है। फॉर द अदर चेंजेस ऑफ सर्विसेज माइट बी कैरिड लेटर बिकॉज नोटिस आवर इन्फॉर्मेशन। तो अदर चेंजेस जो है वो बाद में आस्ते से होते रहेंगे, जैसे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो यही तक पूरा न्यूज़, और पूरा स्पेसिफिकली बता दिया गया कि कोरिया को अब मत खेलो, जून से जो आप कोरिया को नहीं खेल पाओगे 1/1 से। ठीक है, तो ये था इस पूरा का पूरा वीडियो, पूरा वर्ल्ड के लिए उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया है, और हो सकता है ये एक खुशखबरी भी हो, क्योंकि पबजी मोबाइल इंडिया जो है जून से पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो है उन्होंने कहा था कि हम लोग अपना लोकल वर्जन खेले, ग्लोबल वर्जन खेले, हमारा जो बैंड है, अगर वो बोलते कि नहीं इंडिया वर्जन नहीं खेल पाते, मतलब इंडिया वाले तो नहीं खेल पाएंगे और क्योंकि वहाँ तो बैंड है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने बोला कि हम लोग लोकल वर्जन खेलो, मतलब लोकल वर्जन इंडिया वाला वर्जन आने वाला है। ठीक है, तो तैयार रहोगे, इस कभी भी जो है बहुत बड़ा न्यूज़ आ सकता है। चैनल तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो चैनल को और घंटा दबा लो, इसे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सबसे पहले मैं वहाँ सब कुछ अपडेट कर देता हूँ, तो फटाफट ज्वाइन हो जाओ। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।